हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट फ्लो फॉर्म से। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन का ये थर्ड नंबर है। और पहले ही दोनों जो टाइप का था, इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन पैरेलल टू द एक्सिस एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो तो हमने अगले वीडियो में डिस्कस किए हैं, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अभी देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना। तो लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन विथ स्लोप एम इक्वल्स टू टेन थीटा, है ना। स्लोप क्या है, एम इक्वल्स टू टेन थीटा। एंड क्यू एक्स वन वाई वन बी द गिवन पॉइंट, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन, है ना। तो यह है हमारा जो पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन है ना। कि यहाँ पर वाई वन एक्स वन, वाई वन जो है वो एक पॉइंट है ऑन द लाइन एंड एम जो है ये स्लोप है ना। अभी देखिए एग्जाम्पल टू, फाइंड द इक्वेशन of a line L which is parallel to the line 3y equals to x minus root 3 and which passes through माइनस वन माइनस वन बाई सेवन, है ना। तो यहाँ पर हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका जो यहाँ पर पैरेलल टू द ये लाइन थ्री वाई माइनस सॉरी इस थ्री वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस रूट थ्री एंड एक पॉइंट से पास हो रहा है। तो यहाँ पर हमें स्लोप एम इक्वल्स टू टेन थीटा और क्यू एक पॉइंट गिवेन है। पॉइंट तो हमें गिवेन है पर स्लोप हमें डायरेक्ट गिवेन नहीं है, है ना। स्लोप हम ये जो पैरेलल लाइन है उस लाइन से निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, हियर द गिवन लाइन इज y इक्वल्स टू थ्री वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस रूट थ्री। वी नो दैट हम क्या जानते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू एम वन एक्स प्लस सी वन एंड y इक्वल्स टू एम वन एक्स प्लस सी टू। मतलब ये जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट चेंज होता है, बाकी तो सब जो स्लोप है वो स्लोप सेम रहता है ना। वी नो दैट द स्लोप इज इक्वल टू द पैरेलल लाइन्स, देन द, यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं ना इसका स्लोप क्या है, y इक्वल्स टू वन बाई थ्री एक्स माइनस वन बाई रूट थ्री। तो इसका जो स्लोप है वन बाई रूट थ्री है, हेयर m इक्वल्स टू वन बाई रूट थ्री, देन द स्लोप ऑफ द लाइन l बी क्या आ जाएगा, एम इक्वल्स टू वन बाई थ्री, क्योंकि ये लाइन का एम वन जो है वन बाई थ्री है, तो दोनों का एम जो स्लोप है वो तो सेम होता है, तो इसलिए वन बाई थ्री। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल इज क्या आ जाएगा, वाई माइनस वाई वन, यहाँ पर पॉइंट क्या है, माइनस वन माइनस वन बाई सेवन, है ना। तो y माइनस वाई वन का मतलब माइनस वन बाई सेवन, है ना, इक्वल्स टू वन बाई थ्री, वन बाई एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन, माइनस ऑफ माइनस वन मतलब प्लस वन, है ना। तो दैट इम्प्लाइज इम्प्लाइज क्या आ जाएगा यहाँ पर, y प्लस वन बाई सेवन एंड प्लस वन बाई थ्री एक्स प्लस वन बाई थ्री सॉरी इक्वल्स टू, यहाँ पर है ना, दैट इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू वन बाई थ्री एक्स प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई सेवन।
तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 माइनस 1/7 देखते हैं, और y इक्वल्स टू 1/3x, 1/3, 1/7 प्लस 4/21 है ना। तो 1/3 माइनस 1/7 इक्वल्स टू ये 21 आ जाएगा, 7 माइनस 3 आ जाएगा, तो 4/21 ये आ रहा है ना। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए E7, इफ L इज ए लाइन विथ स्लोप M एंड विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ सी फ्रॉम द वाई एक्सेस, हाउ वुड यू यूज फोर टू ऑब्टेन द इक्वेशन। तो यहाँ पर जो फोर फोर इक्वेशन गिवन है ना, तो ये जो इक्वेशन है ये बुक में आप देखिए फोर करके गिवन है, तो इस इक्वेशन से हमें निकालना है यहाँ पर, है ना। तो क्या गिवन है यहाँ पर, एल लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है, जिसका स्लोप गिवन है हमें एम, लेंथ दिया हुआ है वाई एक्सिस से सी, मतलब इसका ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 0C है ना, और इसका स्लोप जो है वो एम है। अभी हमारा जो इक्वेशन है ई फोर है, वो इक्वेशन फोर क्या है, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमें ये सभी वैल्यू पुट करना है, और ये वैल्यू पुट करके जो निकलेगा वही हो जाएगा इस लाइन एल का इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर हे आर द इक्वेशन फोर इज, तो ये है यार, एम की वैल्यू तो एम ही है ना यार, एम यार द स्लोप इज एम एंड द लाइन द पॉइंट ऑन द लाइन है ना, पॉइंट ऑन द लाइन इज क्या, 0C, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज एल कैपिटल एल गिवन है ना, वाई माइनस वाई वन, वाई वन का वैल्यू क्या है सी, दिस इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन 0, दैट इम्प्लाई दैट वाई माइनस सी इक्वल्स टू एम एक्स, और वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन आ जाएगा है ना। उसके बाद देखिए 2.4, 2.4 लेट पी एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन ए लाइन एल व्हिच इज नॉट पैरेलल, ये लाइन जो है नॉट पैरेलल टू द एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस का भी पैरेलल नहीं है और वाई एक्सिस का भी पैरेलल नहीं है, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल इज वाई माइनस वाई वन बाय वाई टू माइनस वाई वन, दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना। तो उसके बाद ई एक्स थ्री देख लीजिए, ई एक्स थ्री यहाँ पर शायद कोई गड़बड़ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस इज टू, है ना। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है, 2 0, एंड विच पासस थ्रू 1/π
एंड पाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन जो आ रहा है वो कैलकुलेशन ही करेंगे। यहाँ पर एक्स एक्स माइनस एक्स वन जो है ना, एक्स वन की वैल्यू यहाँ पर 1/π पुट किए हैं, तो एक्स वन जो करेंगे ये यहाँ पर 2 0, वाई वन हमने वाई वन यहाँ पर बुक में देखी है, वाई वन इक्वल्स टू 0 पुट किए हैं, पर एक्स वन इक्वल्स टू पुट किया है यहाँ पर 1/π, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए जो जो भी हो रहा है हम देखेंगे, जो हमें यहाँ पर इक्वेशन गिवन है वो उस इक्वेशन के थ्रू हम देखेंगे, है ना। द पॉइंट्स आर 2 0 एंड 1/π, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स सॉरी वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, वाई वन की जगह पर क्या है 0, है ना, 0 बाय वाई वन वाई टू माइनस वाई वन पाई माइनस 0। इसी तरीके से एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू 2 है ना, जो भी है वो हम पुट करेंगे, एंड एक्स टू माइनस एक्स वन 1/π माइनस 2, ये आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो आएगा वही वैल्यू होगा, पर बुक में जो गिवन है यहाँ पर 2 के जगह पर 1/π गिवन है, और पाई की जगह पर 2 गिवन है ना, 1/π की जगह पर 2। ये तो जो हमें जो यहाँ पर इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो यही मिलेगा, है ना, वाई बाई पाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 बाय 1 - 2π/π, और यहाँ पर 1 - 2π इंटू वाई इक्वल्स टू पाई का स्क्वायर, है ना, पाई तो ये पाई ऊपर आ जाएगा, ये भी पाई आ जाएगा, एक्स माइनस टू। अभी देखिए मेरा तो यही आ रहा है, उसके बाद देखिए E8 सपोज वी नो दैट द इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन द एक्स एक्सिस इज 2 एंड ऑन द वाई एक्सिस इज -3, देन सो दैट इट्स इक्वेशन इज x/2 -y/3 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर वी नो दैट द इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, लाइन कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर, है ना, तो यहाँ पर 2 0 पॉइंट आ जाएगा, एंड वाई एक्सिस को -3 पॉइंट पर, तो यहाँ पर 0 - 3 आ जाएगा, तो है ना। तो हेयर द 2 पॉइंट्स आर क्या आ जाएगा, 2 0 एंड 0 - 3, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक वाई माइनस वाई वन वाई माइनस 0 बाय वाई टू माइनस वाई वन -3 - 0 इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन 2 बाय एक्स टू माइनस एक्स वन 0 - 2, दैट इंप्लाइज दैट वाई बाय -3 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 बाय -2। तो -2 एंड -3 जो है ये यहाँ पर माइनस कैंसिल करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, दैट इंप्लाइज दैट वाई बाय 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2/2, और वाई बाई 3 इक्वल्स टू इसको एक्स बाई 2 कर देंगे और -2/2 कर देंगे, तो वाई बाई 3 इक्वल्स टू एक्स बाई 2 - 1, है ना। तो ये आ जाएगा एक्स बाई, इधर ले आएंगे वाई को और 1 को इधर ले जाएंगे, तो x/2 - y/3 दिस इज इक्वल्स टू 1, आ गया आंसर। अभी देखिए 8 का 2, मोर जनरली इफ ए लाइन वन कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ए विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0 ऑन द वाई एक्सिस, देन सो दैट इट्स इक्वेशन
इज एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू वन, ये हमें प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर लाइन एल कट्स ऑफ एंड इंटरसेप्ट ए, ठीक है ना, ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में ए इंटरसेप्ट, तो यहाँ पर पॉइंट क्या आ जाएगा, ए जीरो, एंड बी ऑन द वाई एक्सिस, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, जीरो बी। तो हियर हियर द टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर क्या आ जाएगा, ए जीरो एंड जीरो बी, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज क्या आ जाएगा, वाई माइनस वाई वन, वाई वन क्या है, जीरो, बाय वाई टू माइनस वाई वन बी माइनस जीरो, दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना। तो y बाय बी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए बाय माइनस ए, और ये क्या आ जाएगा, y बाय बी इक्वल्स टू इसे क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स बाय ए, और ए को ए के डिवाइड से डिवाइड करेंगे तो प्लस वन, दैट इम्प्लाइज ये इधर आ जाएगा एक्स बाय ए, है ना। तो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू वन, देखिए प्रूफ हो गया। उसके बाद देखिए एक थियोरियम है, थियोरियम का तो प्रूफ नहीं चाहिए, तो अगर तो यहाँ पर थियोरियम गिवन है तो थियोरियम को थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, ऐसे भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स का क्वेश्चन कहाँ से देते हैं ये तो पता नहीं, इसीलिए थियोरियम जो जितने सारे गिवन है तो थियोरियम को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्या बताए यहाँ से क्वेश्चन देते हैं ना, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशनल स्पेस, कॉन्वर्सली द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स मतलब मान लीजिए यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, इस टाइप का कोई इक्वेशन है ना, वो रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, इस टाइप का अगर कोई इक्वेशन है जहाँ पर टू वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या है यहाँ पर एक्स एंड वाई, है ना, जहाँ पर टू वेरिएबल्स है वो क्या आ जाएगा, रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन इन टू डायमेंशन, 2D में एक जो स्ट्रेट लाइन है वो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, ये टू वेरिएबल, है ना, एक्स एंड वाई, वाई जेड भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। कॉन्वर्सली अगर कोई इक्वेशन टू वेरिएबल का है ना, तो वो आ जाए, वो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है तो वो क्या आ जाएगा, एक प्लेन का इक्वेशन होगा, है ना, सॉरी सॉरी, वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। तो उसके बाद देखिए E9 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो एंड पासिंग थ्रू 0 0, है ना। तो एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो पैरेलल टू एक लाइन का इक्वेशन गिवन है एंड पासिंग थ्रू एक पॉइंट का इक्वेशन गिवन है। अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो क्या यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इक्वेशन वी नो दैट द स्लोप ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन आर सेम, देन द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन स्ट्रेट लाइन
ऑफ y प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो इज क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका स्लोप क्या है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर m क्या है, माइनस वन है ना, तो उसका इसका जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस वन एम है, इन टू एक्स प्लस सी टू, सी टू यहाँ पर सी वन माइनस वन है ना, तो यहाँ पर सी टू हम ले लिए, और एक कांस्टेंट, कांस्टेंट अलग होता है यहाँ पर पैरेलल लाइन के लिए, तो वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी टू, और सी टू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा नंबर वन इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है, इस ये पासिंग थ्रू क्या, जीरो 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 पॉइंट से पास हो रहा है। नाउ वन इज पासिंग थ्रू जीरो जीरो, देन सी टू इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो, द इक्वेशन ऑफ द स्टेट लाइन इज क्या आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस जीरो जीरो, का मतलब ये तो जीरो ही है, दैट इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद देखिए नंबर टू, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑब्टेंड इन वन अबव एंड पासिंग थ्रू टू वन है ना। अभी देखिए वन में जो लाइन हमने यहाँ पर आंसर आया है वन का, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन निकालना है पासिंग थ्रू टू वन है ना, तो द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ ए लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो इज, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है, ए के जगह पर बी आता है, बी के जगह पर ए आता है, एंड प्लस के जगह पर माइनस है ना, ये तीन चेंज होता है, और सी वन के जगह पर तो सी टू आता ही है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी एक्स माइनस सी वाई सॉरी सॉरी ए वाई एंड यहाँ पर सी टू प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, ये आ जाएगा है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पर हेयर द इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, दैट इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स है ना, तो नाउ यहाँ पर एम क्या है, सॉरी ए एंड बी है ना, तो वाई प्लस एक्स, तो नाउ यहाँ पर ए इक्वल्स टू ए एंड बी है ना, तो ए इक्वल्स टू क्या है, ये वन एंड बी इक्वल्स टू वन एंड सी वन इक्वल्स टू जीरो, ए इक्वल्स टू वन एंड बी इक्वल्स टू वन, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन लाइन इज, यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, सॉरी बी की जगह पर भी वन, ए की जगह पर भी वन, तो एक्स माइनस वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, तो ये आ जाएगा नंबर वन इक्वेशन। तो नंबर वन इज पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है ये, टू वन, वी गेट, ये सेटिस्फाई करेगा यहाँ पर, तो टू माइनस वन प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, दैट इम्प्लाई इधर सी टू इक्वल्स टू इधर आ जाएगा, तो ये माइनस वन हो जाएगा है ना, तो सी टू इक्वल्स टू माइनस वन, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, और वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वन है ना, तो ये है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।